वहां आपको काम मिलेगा तो आपके घर की परेशानी दूर होगी, विषदाएं दूर होगी। उनकी बात मानकर सगु अपनी माता लक्ष्मी के साथ मुंबई आई। नितिन को भी साथ पढ़ाने के लिए साथ ले आए थे। यहाँ से तो उस समय लगभग उनकी उम्र 7 साल की है, उस समय से वो मुंबई के घरों में काम करती आ रही है। यहाँ भी वो काम करती है, वो कभी भी थकती नहीं, काम करते करते कभी भी वो थकती नहीं, सदा वो काम करती है। उनकी एक बेटी भी है सहेली, साहिली, उसके उसका नाम है साहिली। साहिली का पालन पोषण भी यहाँ के इन घरों के काम करने के बाद लौटा कर संध्या समय वो जब अपने घर लौटाती है उसके बाद वो करती है। इस प्रकार दिन रात काम करके वो अपना जीवन बिता रही है। एक तनतोड़ मेहनत करने वाली ऐसे सशक्त नारी का चित्रण हम सकुबाई नामक एकपात्री नाटक से हमें मिलता है। तो इस पाठ से भी हम कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न पर विचार करें। महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन के कौन सा पहलू यहां प्रकट हुआ है? महानगरीय मध्यवर्ग के जीवन का कौन सा पहलू यहां इस एकपात्रीय नाटक में प्रकट हुआ है? तो घटना मुंबई नगर में होती है। तो मुंबई एक महानगरीय जीवन बिताने वाले एक नगरी है। यहां रहने वाले पूजा कपूर और किशोर कपूर, जिनके हम सकुबाई काम करती है, ये तो मध्यवर्गीय लोग हैं। मध्यवर्गीय लोग होने के कारण उनको आजीविका के लिए पति पत्नी दोनों को काम पर जाना पड़ता है। पति पत्नी दोनों को काम पर जाने के कारण उनके घर की देखरेख, बच्चों की देखरेख, घर के सामान की व्यवस्था आदि ठीक प्रकार वे कर नहीं पाते। उन्हें जल्दी अपने अपने काम पर जाना है तो सदा वे व्यस्तता में रहते हैं। जब सकुपाई मेम साहब के घर में आती है तब वहां सारे के सारे सामान अस्त व्यस्त है, कोई भी सामान करीने ढंग से रखे नहीं है, सब अस्त व्यस्त है, सब कुछ इधर उधर बिखर पड़ी है। तो वहां रहने वाले मध्यवर्गीय लोगों के व्यस्तता और तनावपूर्ण जीवन का जीवन के कारण है। तो इसी प्रकार एक महा इस प्रकार मुंबई जैसे महानगरों में मध्यवर्ग के लोगों में के घरों में इस प्रकार का दृश्य हम देख सकते हैं। इस एकपात्री नाटक सकुपाई में हमारे किशोर कपूर और पूजा कपूर के जीवन रीति भी ऐसी ही है। सब लोग यही सोचते हैं कि सकुबाई है इसलिए हम क्यों करते, हम क्यों काम करें। यहां नौकर के प्रति मालिक का मनोभाव है, मनोभाव का चित्र हमें मिलता है। सकुपाई स्वयं कहती है सकु है इसलिए हम क्यों करें, ये तो घर के मालिक का विचार है, सब काम सकुपाई करेंगे इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। इस यहां मालिक के कौन सा मनोभाव प्रकट होता है ये तो हमारे सामने का सवाल है। तो घर में नौकर को हम रखते हैं उन्हें वेतन देकर,
वेतन देने के कारण सब काम वे ही करें, हम कुछ भी न करें, यही तो मालिक का मनोभाव है। सकुबाई नामक एकपात्रीय नाटक में भी हम यही देखते हैं। सकुबाई को मैं साहब वेतन देते हैं, हर महीने वेतन देते हैं, वेतन देने के कारण ये सब काम करने का दायित्व नौकरानी पर है, वे ही यह करें, यही तो केवल हमारे किशोर कपूर और पूजा कपूर की चिंता नहीं है, इस दुनिया के सारे के सारे मालिक का विचार यही है। जिन नौकरों को हम वेतन देते हैं वे ही सब कुछ करें, इसलिए सब कुछ उन्हें उनके लिए छोड़कर वे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और एक प्रश्न है, संपन्नता और विपन्नता में रहने वाले बच्चों का व्यवहार कैसा होता है? सगुबाई नामक एकपात्रीय नाटक में हम देखते हैं, एक गिलास दूध और चार बिस्किट खिलाने के लिए रोकी को, एक गिलास दूध और चार बिस्किट खिलाने के लिए सकुबाई को बड़ा काम करना पड़ता है। तो बड़े खर के बच्चों को समय समय पर आवश्यक पौष्टिक भोजन मिलता है, उन्हें कभी भूख का अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें दूध बिस्किट आदि रुचिकर नहीं होते, इसलिए उन्हें खिलाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। सगुबाई कहती है, मेरे घर में एक गिलास दूध और चार बिस्किट होते तो दसों बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़कर आते, माने वे गरीब बच्चे हैं, उनको सदा भूख लगती है, उन्हें खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं मिलते, इसलिए उनके दूध और बिस्किट बहुत रुचिकर लगता है, इसलिए वे पीछे दौड़ाते हैं। ये तो गरीब घर के बच्चों और अमीर घर के बच्चों के व्यवहार की भिन्नता है, उनका मनोविकार यहां प्रकट होता है। ऐसा भी एक प्रश्न पूछे, सकुबाई और मेम साहब के बीच वार्तालाप में जो टेलीफोन पर जो वार्तालाप हुई है उसका वार्ता